महाशिवरात्रि के सबसे बड़े स्पेशल शो में सबसे पहले आपको उन मंत्रों की जानकारी दूंगी जिन्हें जपने से भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं, आपकी कृपा से भक्तों का कल्याण करते हैं। मैं बहुत आराम से मंत्र पढ़ूंगी, आपको नोट करने के लिए, क्लिक करने के लिए पूरा समय मिलेगा। शिवरात्रि के दिन मंत्र जाप से भोले भंडारी की कृपा जल्दी ही प्राप्त होती है। शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। जाप ईस्ट या नॉर्थ की तरफ चेहरा करके करना चाहिए। जाप के पहले शिवजी को बिलपत्र अर्पित करना चाहिए। शिवजी को पंचामृत से अभिषेक कराते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमव ह्रीं ऐं ओम। महिलाएं सुख सौभाग्य के लिए भगवान शिव की पूजा करके दूध से अभिषेक करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम। लक्ष्मी माँ अपने ही श्री स्वरूप में, अखंड रूप में केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती हैं। आपको पैसे की दिक्कत अगर दूर करनी है तो मंत्र है अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 10 माला का जाप करना है, ओम श्रीम ऐं ओम। शादी में हो रही देरी के लिए महादेव से कृपा करें, इस मंत्र के साथ शिव शक्ति की पूजा करें। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। परिवार में शांति और समृद्धि के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना है चलिए अब वो जानिए, ओम सांब सदा शिवाय नमः। शिवरात्रि का जागरण करो और बम बीज मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करें, आपकी सेहत में सुधार होगा। बम 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 जाप कीजिए, उपवास रखिए और अगले दिन से एनर्जी आपके अंदर महसूस होने लगेगी। भीड़भाड़ में मंदिर में नहीं गए तो फिर ऐसे ही ओम नमः शिवाय जाप करना है, मानसिक शांति मिलेगी, टेंशन दूर होगी। अगर हस्बैंड वाइफ को अपने में मतलब रिलेशनशिप मोनोटोनस हो गया है, आकर्षण पैदा करना है तो ओम आर्यमाय नमः, ओम आर्यमाय नमः ये जाप शिवरात्रि के दिन कर लेना है, क्योंकि शिवरात्रि का जाप कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। शिवरात्रि तो आ ही रही है लेकिन शिवरात्रि होती क्या है, इस दिन का महत्व क्यों है, इस दिन शिवजी का अभिषेक क्यों होता है, आपने ये क्या कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो बहुत गलत किया। जो त्यौहार हम मना रहे हैं उसकी मान्यता, उसका रीज़न तो हमें पता होना चाहिए, खुद भी जानिए और बच्चों को भी बताइए, तभी तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे संस्कार सीखेंगे और एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफ़र होंगे। तो क्या है आखिर शिवरात्रि का महत्व? ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान महादेव इंसानों के काफ़ी करीब आ जाते हैं, आधी रात में सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। यही कारण है कि लोग शिवरात्रि के दिन रात भर जागते हैं। क्या है शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का साइंटिफिक रीज़न? सिर्फ भगवान शिव ही ऐसे एक अकेले देव हैं जिनकी शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। शिव भगवान दूसरों के कल्याण के लिए हलाहल यानी कि विषैला दूध भी पी सकते हैं। शिव जी संहार करते हैं, इसीलिए जिन चीज़ों से हमारे प्राणों को नाश होता हो, मतलब जो विष है, वो सब कुछ शिव जी को भोग लगता है। पुराने ज़माने में जब बारिश का सीज़न होता था, श्रावण मास होता था, हर जगह शिवरात्रि पर दूध चढ़ता था, तब लोग समझ जाया करते थे कि इस महीने में दूध विष के समान है और वो दूध हमें नहीं पीना है, हम कम पिएं या फिर गर्म कर कर ही पिएं ताकि उन्हें बीमारियां कम लगें। इसीलिए दूध को त्याग देते हैं ताकि उन्हें कोई सीजनल जैसे बरसाती बीमारियां ना घेर लें, ऐसी मान्यता जो है पुराने समय में थी। क्या है महाशिवरात्रि का महत्व? अगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो सावन में दूध या दूध से बनी चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वैसे भी सावन में बहुत संभल कर खाने की सलाह देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं। शरीर में वात पित्त कफ बढ़ता है और बॉडी में असंतुलन से बीमारियां पैदा होती हैं, तभी हमारे पुराणों में सावन के समय शिव को दूध अर्पित करने की प्रथा बनाई गई। लेकिन एक और ख़ास दिक्कत है, वो ये कि लोग क्या करते हैं कि शिवजी पर दूध बहा देते हैं। मुझे लगता है इससे भी बचना चाहिए, थोड़ा सा दूध आस्था के तहत आप चढ़ाइए, भगवान पे चढ़ाइए, बाकी किसी ज़रूरतमंद को पिला दीजिए, किसी भूखे बच्चे को पिला दीजिए, महादेव को
ज़्यादा प्रसन्नता होगी, आपकी दया देखकर वो ज़रूर खुश होंगे।